आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में राहुल जी आए भारत जोड़ो यात्रा में और हजारों और लाखों की तादाद में सब लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और युवाओं का जो जोश था, बलबला था, वो आपने भी देखा होगा किस तरीके से था। इसको लेकर आप जानते हैं कि जो भारतीय युवा कांग्रेस है और इंडियन यूथ कांग्रेस है, उसका चुनाव के प्रक्रिया के थ्रू ही हर साल, हर तीन साल में एक बार इलेक्शन होता है और न कि दिल्ली से, न कि किसी घर से, बट इस जम्मू कश्मीर के युवा या किसी स्टेट के युवा उसके इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर उसको अपना प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट या फिर स्टेट जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष या असेंबली प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो एक इलेक्टेड प्रोसेस है। हम राहुल जी का धन्यवाद करते हैं कि एक गरीब परिवार से लोग चुनाव लड़ सकते हैं, आम युवा चुनाव लड़ सकता है, इंडियन यूथ कांग्रेस में आ सकता है। तो आज हम यहां पर, हमारे बीच में नटवर सिंह जी हैं जो जोनल रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ZRO हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आपके सामने साझा करेंगे, बताएंगे। तो जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और मेरी पूरी जम्मू कश्मीर के युवाओं से गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस मैं आपको जो लगता है कि आपका असेंबली प्रेसिडेंट कौन हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन हो, स्टेट कमेटी में कौन हो या स्टेट प्रेसिडेंट कौन हो, वो आप चुनिए और खुद आपको लगता है आप कैपेबल है तो आप आगे लड़के आगे इलेक्शन लड़िए, जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करिए। जो भी इश्यू जम्मू कश्मीर में है उनका सोल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं, उनके हक की लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं। तो मैं नरवर सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने पूरा डिटेल में इलेक्शन कमीशन जो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू रखे। साथियों, युवा कांग्रेस की मेंबरशिप 14 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। नॉमिनेशन की जो तिथि है वो 16 फरवरी से 22 फरवरी नियत है। यदि आगे बढ़ती है तिथि तो अवगत कराया जाएगा। ऑब्जेक्शन की जो तिथि है वो 16 से 23 तारीख तक है। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 24 से 25 फरवरी को होगी। नॉमिनेशन फाइनलाइज 26 तारीख को होंगे और मेंबरशिप का जो समय रखा है 5 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जो भी जम्मू कश्मीर का 18 से 35 वर्ष का युवा, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्य बन सकता है और वह चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के मार्फत ही विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी और प्रदेश की कमेटी तैयार की जाएंगी और युवाओं के लिए राजनीति में, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में लाने के लिए एक द्वार है, एक रास्ता है, उसी रास्ता के द्वारा हम ये युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म लेकर आए।